नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हुआ जिसमें जागरण में एक गायक ने कुछ आपत्तिजनक जो है गीत गा दिया, जिसको लेकर अब जो है लोगों के बीच में बवाल मच गया। और अब जो है वो गायक, उन्होंने सार्वजनिक रूप पर सब लोगों से माफी मांगी है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर बिट्टू जी महाराज जी हैं, जिनसे पूछेंगे कि सर एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें जागरण में एक आपत्तिजनक जो है गाना गा दिया गया एक गायक की तरफ से, जिसको लेकर लोगों के बीच में भी रोष है। पंजाब के जो कई सारी एसोसिएशन है उन्होंने उसके ऊपर केस भी कर दिया। आपका क्या कुछ कहना है, किस तरह से इसको देखते हैं आप? देखिए, ये बात मेरे संज्ञान में जो लाई गई वो थी कि श्रीमान राजेश गुप्ता जी, जो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं विश्व हिंदू परिषद प्रदेश जम्मू कश्मीर के, उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों होगा, इसका जरा आप संज्ञान लें तो कौन लोग हैं इसको देखा जाए। तो ये दो चार दिन लगे हमें और पता लगा कि कुलदीप मास्टर जी के नाम से ये जो कलाकार हैं, इन्होंने वह उस जगराते के अंदर इस गाने को उन्होंने गाया, जिसको लेकर के फिर पंजाब से काफ़ी फोन आना शुरू हुए। तो कल ही जो पंजाब शिवसेना के अध्यक्ष हैं श्रीमान जोगराज शर्मा जी, उनका फोन था। हमारे राजा शर्मा हैं, राजकुमार जी हैं, वो भगवा सेना है पंजाब से, उनका फोन आया। राम प्रोडक्शन लुधियाना से, फगवाड़ा से, अलग अलग जगह से फोन आया, क्यों ना हम केस करें, ये करें वो करें। हमने कहा कि हम जहां बैठे हैं विषय जम्मू का है, तो हमने जितनी इतनी एसोसिएशन इनकी हैं सभी को बुलाया कि भाई आपके कलाकार द्वारा ऐसा हुआ है, ये आगे भविष्य में ना हो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। तो मैं धन्यवाद दूंगा पटाखा जी का, जो हमारे यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन्होंने कहा कि आज के बाद कोई ऐसा कलाकार ऐसी बात नहीं करेगा। लेकिन जोरावर सिंह जी का जहां आना जो था वो हमें एक और फायदा देगा कि जो उन्होंने संदेश दिया कि आप नशे को लेकर के, हथियारों को लेकर के, ऐसी चीजों को लेकर के जिसमें मर्यादा ना रहे, ऐसे जो गाने हैं वो ना गाए जाएं। जानकियां जो नवरात्रों के अंदर की जाती हैं, जगराते के अंदर की जाती हैं, कि आप एक कलाकार को बनाते हैं, वो नाचता है, वो सुल्फा पी के दिखाता है, वो शंकर बन के आता है, तो ये चीजें अभी बर्दाश्त से बाहर हैं, ये नहीं हो सकती हैं। और इन्होंने भी कहा कि हमारे प्रोमो में ऐसा नहीं होगा। जो पंजाब से लोग आते हैं हम उनको भी कहना चाहते हैं कि भाई अब लखनपुर अंदर आना हो तो थोड़ा सा दिमाग को ठीक करके आना। ये पंजाब नहीं है कि आप आओगे और चढ़ जाओगे गाने के मारे, हम जो मर्जी आएगी पंजाबी गीत गाएंगे। हमारे आदमी ने गलती की, हमने माफीनामा पूरे समाज में किया, लेकिन एक चीज जरूर है कि जानकी बनानी है आप शेर बनाओ, माँ भगवती का स्वरूप एक छोटी कंजक लेकर के उसको बिठाओ, उसको लोग सारे माथा टेकें, जो मर्यादा है। आप खुद नाचना शुरू कर दोगे और आप सुल्फा पीना शुरू करोगे कि भगवान शंकर हैं, तो ये चीजों के लेकर के था। और कुलदीप जी ने भी आज जहाँ पे माफी मांगी है कि मेरे से गलती हुई है, तो वही मैं पहले सुना रहा था कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब किसी की बुद्धि दिशाहीन हो जाती है तो ऐसी बात हो जाती है। लेकिन जब माफी उन्होंने मांग ली है तो मैं समझता हूँ कि एक मौका हमने इनको देना है ताकि ये करें, क्योंकि इनका परिवार के लोग जो इनके जहाँ इन्होंने शादी की है वह भी हाई ब्रीड के गाने वाले लोग हैं, बी हाई के लोग हैं इनका पूरा परिवार, और ये भी एक अच्छा सुलझे हुए थे, लेकिन गलती कहाँ हुई। आज एक बार इनको हमने मौका दिया है कि अगर आइंदा ऐसा हुआ तो आपका कोई साथ नहीं दिया जाएगा, सख्त कार्रवाई आपके ऊपर होगी। जो रावर सिंह जी भी इस समय हमारे साथ मौजूद है, सर अक्सर ऐसा होता है कि जब कुछ झांकियां इस तरह की निकाली जाती हैं तो कई बार दिखाया जाता है कि भगवान शंकर जो है वो चिलम पीते थे या इस तरह का कुछ, क्या ये सही है? क्योंकि जिस तरह से भगवान का स्वरूप जिसके आगे हम सब नतमस्तक होते हैं, क्या इस तरह का झांकियों में दिखाना कितना सही रहता है? देखिए, ये भी ट्रेंड अगर आप देखें तो कुछ साल, दो चार पांच साल से ही हम देख रहे हैं। इससे पहले हमने बचपन से जगराते होते देखे हैं, बचपन से भजन संध्याओं में पार्टिसिपेट किया, और हमारे जो आर्टिस्ट हैं बड़े खूबसूरत और अच्छे भजन जो है वो गाते थे। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये देखो देखी के उसमें या कंपटीशन में शायद कुछ आर्टिस्टों ने अपने दिमाग में ये रख लिया कि ये जब हम आस्था की बात करते हैं तो हम आस्था की ही बात करते हैं, जब हम सनातन की बात कर रहे हैं तो हमें उस विषय पे पूरा ज्ञान होना चाहिए कि सनातन हमें क्या दर्शाता है। कहीं हमारे ग्रंथों में, कहीं पुराणों में कहीं मेंशन नहीं है कि हमारे शिव भोले
कहीं भांग या वो सुल्फा जैसे मांझी ने कहा करते हैं, लेकिन आज पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि एक मैसेज कुछ आर्टिस्ट शायद कंपटीशन के कारण देना चाहते हैं, जो कि कतई बर्दाश्त नहीं होता है। और मुझे लगता है कि जो जो सुलझे हुए समझे हुए जैसे यहाँ पर जगराता एसोसिएशन के प्रधान बैठे हैं, बाकी स्काडा के लोग बैठे हैं, ये सब समझदार और आज से नहीं बचपन से ही इस फन में है और पुष्ट दर पुष्ट है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इनको भी एक कॉशियस अप्रोच लेके चलना पड़ेगा कि कहीं हम अपनी कला को गलत दिशा में तो नहीं लेके जा रहे हैं। तो उसी सिलसिले में महन जी द्वारा आज ये बताया गया, और इससे उल्टा ये हो रहा है कि समाज में गलत मैसेज जाता है कि शायद ये करना अच्छी बात है। और ऑलरेडी आपको पता कि टीम जम्मू पिछले 10 सालों में लगी है, दिन रात प्रयास कर रही है कि हमारे बच्चे जो ड्रग्स का शिकार होकर मर रहे हैं, अपनी जिंदगियां तबाह कर रहे हैं, उनको कैसे उनसे परे रखें। तो आज की इस वार्ता में मेरा शामिल होने का मुख्य कारण यही था कि हम जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितने भी फनकार हैं, इनकी एसोसिएशन के जो नौजवान हैं, उनको हम ये बात बताएं और क्लियर करें कि जो जो आपकी एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हैं, अपने मंच पे ऐसे किसी आर्टिस्ट को परफॉर्म करना, और जहां अगर आप कहीं झांकी निकालते हैं, जो कोई भी हो, उनको भी ये बात समझनी पड़ेगी कि ये इसका, चाहे सनातन समाज के धर्म ग्रंथी आचार्य लोग, संत लोग जो है, ये इन्होंने ये बात हमारी डिटेल में हुई है कि हम ऐसी झांकियां और ऐसी परफॉर्मेंसेस किसी भी प्लेटफॉर्म पे अलाउड नहीं करेंगे, जो हमारे समाज को समरसता दिखाने के बजाय एक गलत दिशा दिखाए, वो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजेश जी, आपसे भी पूछते हैं, आप सनातन धर्म के लिए हमेशा से आगे आए हैं, जब भी कोई इस तरह की बात हुई है सबसे पहले हमने आपको आगे देखा है। जब ये वीडियो वायरल हुआ उसमें हमने भी देखा कि जो गायक है वो तो गा ही रहे हैं, साथ में जो लोग हैं जो उस जागरण में शामिल हुए हैं वो भी बड़े धूमधाम से वहां पर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, तो उनके लिए भी आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हमने यही निवेदन किया है कि भाई जगराता कलाकार जो है वो कला का प्रदर्शन जब करता है, आप भी मर्यादित रहें, जो जगराता करवाने वाले लोग हैं, आपने देखा वहां देवियां कुछ नाच रही हैं दो चार, उसमें एक लड़का भी नाच रहा है, तो कौन है वो? उन्हीं घर के हैं। कुछ जो करवाने वाले हैं उनको भी देखना चाहिए कि मां भगवती का ज्वाला का स्वरूप पीछे है, ज्योत प्रकटे है, मां भगवती का स्वरूप पीछे है और आप आगे नाच रहे हो। हाँ, कभी भजन पे नाचो ना, मीरा नाची थी वो भगवान कृष्ण के आगे, आप जे देखते हो कि कौन कौन ही नाचा, कहां पे क्या क्या नहीं हुआ होगा। लेकिन आप ऐसा करोगे कि जिसमें अश्लीलता हो वो तो कभी बर्दाश्त नहीं होगा। मैंने निवेदन इसलिए जोरावर जी से किया, बाकी साथियों से, कि हम एक मुहिम शुरू करेंगे कि चाहे कोई भी हो, वो पंजाब से आए या जम्मू से आए, वह लोग जो हैं कोई भी किसी को लो नहीं करेंगे कि वो ऐसी झांकियां जो मर्यादित ना हो और ऐसे भजन जिसमें अश्लीलता हो या नशे हो या प्रमोशन, आप नशे को कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो, वह कभी जम्मू में नहीं चलने देंगे। कुलदीप जी, कल जो वीडियो वायरल हुई है, आपका उसके लिए क्या कुछ कहना है? मेरा यही कहना है कि मैंने तो ना तो सनातन को ना किसी को कुछ भी नहीं बोला, मैंने किसी के खिलाफ कोई बात नहीं बोली, बस जो उनको फोर्स करने पर ये बोल रहे हैं कि ये दो दो बोल सुना दो, जब उन्होंने बहुत हालात कुछ ऐसे हो गए मुझे ये दो बोल गाने पड़े, तो यही हालात बने तो दो बोल गाने पड़े, तो मैं इस बात के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ और माफी मांगता हूँ कि आइंदा से ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो जैसे कि देखा आपने कल एक जो वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक जागरण में गायक ने जो है आपत्तिजनक जो है उसमें गाना गा दिया, और साथ ही साथ जो वहां के लोग थे, उस घर के लोग थे, वो भी उसमें धूमधाम से नाचते गाते हुए नजर आए। उसी को लेकर आज एक संत समाज द्वारा एक पत्रकार वार्ता की गई है जिसमें जो गायक हैं उन्होंने माफी मांगी है सबसे कि आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा, और वही हम ये भी आपसे अपील करते हैं कि गायक के साथ साथ हमारा भी एक दायित्व बनता है कि अगर कोई इस तरह की आपत्तिजनक जागरण में कोई आपको चीजें नजर आती हैं तो उस पर रोष प्रकट करें, उससे रोकने की कोशिश करें। अब इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़ रही है ग्रेटर जम्मू के साथ, कैमरामैन अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।